जो रिश्ते होते हैं, जैसे हम लोग रिश्ते हैं, सुबह आ रहे हैं, हम रात में जा रहे हैं, जो बन रहा है आपने दे दिया, मैंने दे दिया, इस तरह से रिश्ते चलते हैं ना बिना किसी जिम्मेदारी के, कई बार उम्मीदें जो रहती हैं वो इंसान को तोड़ती हैं। और मैं बहुत उम्मीदें करती थी पहले, जब कोई बचा ही नहीं है तो पैसा किसके लिए रखना है यार, बच्चों का ही तो हुआ, प्रॉपर्टी किसके लिए रखनी है, आप क्या करोगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है सुबह से, टाइम हो रहा है 11:30 और मैं अपनी चाय लेके आई हूँ। आज हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं, राजा की हालत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, उनको पेन हो रहा था तो अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं वो। जी हाँ, मेरी सही है, भगवान से ही सीधी नज़र ही बोलूँगी यार, बहुत गंदी हड्डी मिट्टी जा सकती थी तो मैं अभी आके बैठी, मेरी पता नहीं कमर में दर्द हो रहा है, जिस दिन मेरे को काम ज़्यादा हो जाता है ना उस दिन मेरा कमर दुखने लगता है। तो मैं चाय लेके आई हूँ और जी आज चली गई है नहा धो के अपने दादा दादी के पास में, उसका फेवरेट काम है दादा दादी। जी हाँ, मेरी बहुत लकी है टच वर्ड, जिसे दादा दादी का प्यार मिल रहा है, नाना नानी का बहुत प्यार मिला, मौसी का बहुत प्यार मिला। अद्विक का ऐसा रहा कि जब हम लोगों का अद्विक बड़ा हो रहा था तो थोड़ी घर में प्रॉब्लम चल रही थी, और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं चलती है, थोड़ी बहुत देखो चलती रहती है कि थोड़ा हो गया नहीं मिल रहे हो रहे, बट ये नहीं होता है कि पहले लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए ऐसा हो जाता था। जी हाँ, मेरी उसमें बहुत लकी है, कहते हैं ना लकी चाइल्ड होता है जिसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिलता है, एंड वो उनमें से लकी है। तो सुबह से गई हुई है और अभी आएगी, फिर सोएगी, फिर शाम में फिर जिद करेगी, फिर ऐसे करती है ऐसे मेरी दादी के पास। अगर मैं उसकी चोटी बना रही हूँ और वो नहीं बनवा रही हैं, बोलेंगे दादी के पास चलेंगे, वो फटाफट बैठ के चोटी बनवा देती है, मतलब से पता है। फिर अगर मैं नहीं लेके जाऊँगी तो ऐसे ऐसे उसे करती रहेगी, अगर वो नीचे नहीं है तो उसे मुझे काफ़ी हो जाती है तकलीफ, क्योंकि वो बहुत अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है जी। और डुगू जो है वो पता नहीं उसे क्या ही हो रहा है कि वो जाता ही नहीं है, बुला रही है डुगू, डुगू खाना। तो चलिए मैं इसको नाश्ता करा रही हूँ, और इसे मैंने चीले बना दिए हैं और उसको नाश्ता करा के फिर मैं आप लोगों से मतलब ये ब्लॉग है वो कर लूँगी। फिर लंच बना दिया हम लोगों ने, तो यार वो राती के पकौड़े और साबुदाने का खिचड़ा खिचड़ी पड़ी थी वो खा लिया, भूंगी हो रही है यार मेरा बहुत ज़्यादा, अभी केले के कारण हो रही है, केले से पहले भी हो रही थी वैसे, मेरा बहुत अजीब सा दिमाग हो रहा है, मेरा पता नहीं दिमाग इतना कल से घुमा हुआ है कि पूछे मत, सर दुख रहा है मेरा भी, राजा आए दवाई करा के अपनी, पेन हो रहा ने काफ़ी ज़्यादा, मैंने हॉस्पिटल दूर भी किया है और यहाँ पर हो गई है थोड़ी सी तरल है मैं कुछ ज़्यादा हिंदी बोल रही इसके लिए, मुझे पीछे वाला रूम जो है वो क्लीन करना है, वो इतना गंदी तरीके से फैल गया है, हमारा सूटकेस थोड़ा बहुत खोल के मैंने रखा है, तो मेरे को लग रहा है पीछे के रूम का काम कर लेते हैं। और जिया भी खा लेगी खाना और डुगू भी खा लेगा खाना, तो मैं एक बार खाना निकाल रही हूँ, दही से दूंगी, और डुगू को ना प्रॉब्लम सी हो रही है फिर से, कॉन्स्टिपेशन बीच में ठीक हो गया था, अभी एप्पल वगैरह भी दिए, केला भी खाया, केला तो नहीं छोड़ते यार, में कुछ लोग केले को लेकर डबल चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती है तो उसे दिक्कत हो रही है। तो ये मूंग दाल बनाई है मैंने आज बहुत टाइम बाद, सुबह चीले बनाए थे आज मैंने, और ये वाली मूंग दाल बनाई है छिलके वाली, इससे क्या होता है ना पेट थोड़ा क्लियर होता है डुगू का, तो उसके लिए एकदम हींग वींग डाल के बनाई, थोड़ी दही दे रही हूँ मैं उसे है ना, और उसको खाना खिला रही हूँ, आज शाम तक मुझे उसे फ्री करना है इस चीज़ से। मौसम सही है, धूप निकली हुई है ना, हाँ। तो आज थोड़ा सा धूप निकली, जिया शक्ल दिखाओ, जिया तो जिया पे ना अपनी, जिया नो ये क्या है, ओ शिट, ये जिया जिया हमारे घर ज्यादा घर फैलाती है, ये क्या है, तो ये देखिए ये क्या हुआ, तो मेरे बैग अनपैक हुए, कुछ थोड़ा सामान यहाँ आया, कुछ वॉश होके आया है तो वो ऐसे डला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हें लगाऊं, थोड़ा काम करे गई थी, बच्चे बहुत अच्छे टाइम के लिए सोए थे, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, पता नहीं आया क्या करी थी। जो जिया वाली हाउस हेल्प थी 8-7 घंटे वाली, वो कपड़े लगा देती थी, मतलब कि ठह करके, और डेली को उतारना वाला काम कर देती, तो मेरे को काफ़ी ईजी रहता था, अब क्या हो रहा है मेरे को और काम भी रहते हैं, तो कपड़े ऐसा हो रहा है कि हर दिन धुल के आ रहे, एक जगह इकट्ठे हो जा रहे, तो क्या हुआ ये बेडरूम वो हो गया, ये जो पोटला पड़ा है
ये पोटली जो है, ये जो हम ब्लू वाला बैग ले गए थे उसका सामान है। तो जब वो वाला सामान अलमारी में लग जाएगा तो ये वाला सामान यहाँ आएगा। जी आ ओके, मैंने कपड़े बेटा आराम आराम खेल रही है जन्माष्टमी के बाद। इसको मस्ती करने जाना है। मैंने ब्लॉग शुरू किया था, कंटिन्यू नहीं किया, मैं आराम आराम कर रही थी कल। और जिया कुछ लाई है। जिया क्या लाई हो मम्मा के लिए? क्या है ये? जिया क्या है? क्या है ये? क्या है ये? मम्मा का है। तो मैंने अपने लिए एक और पॉट सेट मंगवाया है, जो कि मैंने लाइम ग्रीन में मंगवाया है। ब्लैक आपने देखा होगा, उसी के साथ का था। तो पहले मैंने यही ऑर्डर किया था, पर ये मेरा बड़ा आ गया था, घर पे आ गया था ये मेरे वहाँ पे। अरे ब्लैक तो नहीं आया, ब्लैक खोल रही हो? खोल के दिखाओगी? खोलो जिया। छुंदरू हो, छुंदरू। तो चलिए इसको खोलते हैं और नहा के आ रहे हैं, फिर शुरू करते हैं ब्लॉग। वार्निंग है जी इसमें। कैसा लग रहा है दिखाओ? अच्छा है? पहने मम्मा नहा के आ जाए। मम्मा जिया को तो पहले ही नहला देते हैं, हमारे जिया पहले से नहा। खोल दे। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो। फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस। नमस्ते, नमस्ते कर दो। छी छी गंदा या या। नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो प्लीज जिया। जय जय कर दो। जय 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 जूजू मेरा जूजू। तो चलिए मैं जा रही हूँ नहा के आके, है ना, फिर करते हैं हम ब्लॉग। बनाना दे रही हूँ, छीलने दो, छीलने दो, दे रही हूँ, छीलने दो की तोड़ूंगी ना इसे। नहीं अरे दे रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ ना। खाओ देखो, आपको दे रही हूँ, आपको चाहिए? हाँ ऑफ हो गया। आ जाओ, मैं शायर लेके आ रही हूँ। मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला है चेहरे पे, क्योंकि मेरे को थोड़े से इश्यूज थोड़े क्या काफ़ी चल रहे थे। तो मैं खाना बनाने आई, उससे पहले गैस क्लीन करूँगी। चाय निकल गई आज यहाँ पे, और मेरी हाउस वाइफ को गैस लो करनी नहीं आती थी, और यहाँ पे फिर चाय कर गई। तो पहले ये साफ़ कर लेते, फिर फटाफट खाने की तैयारी कर।
रही है और मैं सोच रही हूँ मंचूरियन बनाने का प्लान कर रही हूँ, तो मैं मंचूरियन बनाऊंगी और पहले कंगी होंगी तो बाहर सूख जाए गर्मी खिचड़ी हो जाए। फिर मूंग दाल की खिचड़ी ने काफ़ी हेल्प करी डुगू को कल हो तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम चल रही है ना, तो यार छिलके वाली मूंग दाल होती है ना वो ट्राई करना। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है पर मेरे लिए हमेशा छिलके वाली मूंग दाल, बहुत सारी लोग थोड़े से चावल लो हल्के घी जीरा हींग में खाओ, ये पूरी खराब हो जाएगी वो, हल्के घी जीरा और हींग हल्दी नमक कुछ मत डालो, वो डाल के दो दो तीन बार खिलाओ उसके मोशन क्लियर होंगे। ये मेरा ट्राई एंड टेस्टेड है क्योंकि जब कुछ काम नहीं करता है तो वो काम करता है, तो मैंने कल बनाया और उसको शाम तक हो गई थी। कैच पे तो लखो तो यहाँ पे मैंने डुगू की खिचड़ी रेडी कर दी थी और जिया भी ये बहुत शौक से खाती है और इससे डुगू की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इन दोनों को खाना खिलाने के बाद में मैं यहाँ पे सिज़लर की तैयारी कर रही थी, मुझे सिज़लर खाने का बहुत मन था। मुझे सिज़लर की जो ट्रे है ना वो आती है जिसपे खाना एकदम गर्म गर्म होता है वो लेके आनी है, पता नहीं मुझे एकदम शौक चढ़ा हुआ है इसको खाने का और मैं उस दिन डिनर करने के लिए भी इसी को खाने गई थी। तो मैं पत्ता गोभी को चॉप कर लूँगी एकदम बारीकली, तो ना मेरे को पत्ता गोभी को देख के अपने कपड़े याद आ रहे थे जो मैंने पहने हुए हैं, तो बच्चे यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ उठाते ही रहते। फिर मैं यहाँ पे गार्लिक चॉप करूँगी, उसके बाद फिर अदरक और हरी मिर्ची, तो ना आप इसमें स्प्रिंग अनियंस भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, और कैप्सिकम, तो दो चीज़ें मिसिंग है, बट उसके बाद भी जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। हम लोग ऐसे ज़्यादा शौकिया नहीं है कैप्सिकम के इसमें, हाँ स्प्रिंग अनियन अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मैंने पत्ता गोभी को धो लिया अच्छे से, फिर मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी डाली, फिर मैंने इसके बाद हरी मिर्ची अदरक और लहसुन डाला है, फिर मैं यहाँ पे कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ, यानी कॉर्न का फ्लावर आता है, एक एक आटा आता है वो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। देन इसमें मैंने नमक डाला है हल्का सा, फिर इसको बाइंड करना शुरू करेंगे हल्का हल्का पानी डाल के। आपको इसमें इतना कॉर्न स्टार्च डालना है कि ये बाइंड हो जाए, ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि एट लास्ट जब आप इसको रोल करेंगे तो आपको ऑयल हाथ में लगाना है एंड देन आप इसे इजीली रोल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम आटा गूंदना है, आपको आटा नहीं गूंदना है, इसको सिर्फ एक मिक्सचर रेडी करना है ताकि ये बाइंड हो जाए। उसके बाद मैं छोटी छोटी बॉल्स बना लूंगी और जितनी बॉल्स आपको अपने हिसाब से बनानी है, एंड देन फिर इसे गर्म तेल में डाल दूंगी, फिर मीडियम गैस पे रख के इसे आराम से आपको सेकना है। तो यहाँ पे देखिए बॉल ही बहुत परफेक्टली रेडी हो गई है और उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से डाल दूंगी। देन फिर इसको फ्राई करने के बाद हमें निकाल लेना है। अब मेरे को वही प्लेटर तैयार करना था जैसे कि वहाँ पे मिलता है, तो उसमें नूडल्स भी आते हैं, फ्रेंच फ्राइज भी आते हैं, पहले सिज़लर की प्लेट में सिर्फ सिज़लर ही आते थे, बट अब बहुत सारी चीज़ें जो रहती है वो यहाँ पे ऐड करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसके साथ वो कुछ भी और खाने की ज़रूरत नहीं होती है। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं सिज़लर बॉल्स है वो निकाल लूँगी और यहाँ पे हमारे सिज़लर की बॉल्स है वो रेडी हो गई है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नूडल्स ले रही हूँ ताकि हम उस प्लेट में नूडल्स रखें। थोड़े से मैंने चावल लिए हैं, इन चावल को भी मैं बॉयल करने के लिए रख दूंगी, स्टार्च फ्री राइस बनाएंगे। एंड देन मैंने एक जगह पे और पानी लिया है जहाँ पे हम लोग फ्रेंच फ्राइज है जो उसकी तैयारी करेंगे, तो पानी जब उबल जाएगा तो आलू जो कटे हुए हैं वो उस पर डाल देंगे। इसे सेमी बॉयल करना है और ज़्यादा बॉयल नहीं करना है कि गल जाए, सेमी बॉयल करना है। फ्रेंच फ्राइज आई थिंक सबको बनानी आती होगी, अगर आपका बच्चे वाला कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको आती होगी। यहाँ पे मैं नूडल्स थे वो भी हो गए थे, नूडल्स को मैंने छान लिया है ठंडे पानी से निकाल लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एकदम चॉप करके प्याज जो है वो लूंगी एंड गार्लिक लहसुन और अदरक, ये चीज़ें लेनी है, और साथ में स्प्रिंग अनियन वगैरह है आपके पास तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद फिर मैं एक पैन ले रही हूँ, उसमें मैंने ऑयल डाला है, ऑयल डालने के बाद फिर आपने जो भी चॉप किया था वो उसमें डाल दीजिए और इसको कुक कर होने दीजिए। तो मुझे जो सिज़लर था वो ग्रेवी वाला चाहिए था, तो ड्राइड भी आता है मंचूरियन और ग्रेवी वाला भी आता है, तो मुझे ग्रेवी वाला बनाना था। तो मेरे पास ना एक सिज़वान सॉरी चिंग्स का आता है मंचूरियन पैक वो था, तो मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से भी, अगर आपके पास नहीं है तो कॉर्न स्टार्च लीजिए उसे अच्छे से एक बार मिला लीजिए ताकि कोई गांठे ना हो। उसका जब आप ये रेडी कर देते हो फिर आपको सॉसेस लेनी है जो कि आपके चाइनीज में डलती है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी चिली सॉस, देन आपको विनेगर डालना है और सोया सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस, तो ये तीन सॉसेस मैंने डाल दी है इसमें, और फिर मैं इसमें जो कॉर्नस्टार्च है वो डाल दूंगी। तो इस तरह से आपका सिज़लर रेडी हो जाएगा, इसमें आपको ब्लैक पेपर वगैरह डालना है तो आप ग्रेवी रेडी हो जाएगी, बट मुझे एक्स्ट्रा ग्रेवी चाहिए थी और मेरे को लगा चलो यार मसाला एक रखा ही हुआ है, तो मैंने चिंग्स का ये मंचूरियन मसाला मिक्स आता है वो डाला,
इसमें कुछ एक मसाले जो है वो मैंने ऐड करे हैं अपनी तरफ से, और अगर मेरे पास वो नहीं होता तो इसी को मैं और बढ़ा लेती। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेवी है वो गाढ़ी भी होने लगी थी, फिर मैंने थोड़ा पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि किसी भी तरह कोई लंप ना रहे, एंड देन फिर हम इसमें जो मसाला था चिंग्स का वो डाल दूंगी। तो अगर आप दो पैकेट ले आओगे तो आपको ये सब चीजें अवॉइड कर सकते हो, बस आपको प्याज वगैरह डालनी है और कोई मसाला डालने की जरूरत ही नहीं होगी। देन यहाँ पे ये बॉयल हो जाएगा, काफी थिक ग्रेवी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं ये टमाटो कैचअप डाल रही हूँ। टमाटो कैचअप जो है आपको अपने हिसाब से डालना है, आपको कितना स्वीट चाहिए, कितना टेस्ट इसमें टमाटो कैचअप का चाहिए। देन हमारी जो ग्रेवी थी वो तैयार हो गई है, फिर मैं इसे जो मंचूरियन बॉल्स है वो डाल दूंगी, एंड देन इसको सोक होने देंगे, थोड़ी देर कुक होने देंगे। आराम से ढक दीजिए या ऐसे बना लीजिए, तो 5-10 मिनट के लिए इसे सिम पे रख दीजिए ताकि जो बॉल्स है वो भी जो ग्रेवी है उसके अंदर अच्छे से चली जाए और जो बॉल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्पंजी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। फिर यहाँ पे मैं जो आलू थे उसमें थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च मिलाऊंगी, एंड देन फिर आपको इसको हाफ फ्राई करना है, एंड जब ये सेमी फ्राई हो जाए निकाल लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद इसे प्रॉपर जब सर्व करना हो तो पूरा फ्राई कर लीजिए, तो आपके फ्रेंच फ्राइज भी इस तरह से रेडी हो जाएंगे। तो मुझे वो प्लेट बनानी थी ताकि वो प्लेट मैं घर में अगर मेरा मन करे तो बना लूँ, बट थोड़ा सा काम बढ़ता है बच्चों वाले घर में। बट अगर आपको कुकिंग का शौक है तो यू कैन रिलेट विद मी, आपको अच्छी चीजें बनाने का शौक होगा। तो यार बेटा फटाफट फ्रेंच फ्राइज रेडी कर लिए, एंड देन फिर मैंने यहाँ पे सोचा क्योंकि वो तो प्लेन देते हैं राइस और नूडल्स हल्के से फ्राई करके, तो मेरे को लगा सिजवान राइस का मसाला रखा है वो डाल देते हैं, तो मेरे को लगा थोड़ा सा इसमें और आ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मल फ्राई करके भी सर्व कर सकते हैं, एंड गुड टू गो, बहुत अच्छा लगता है वो उसके साथ। पर मैंने इसे सिजवान कर दिया, एंड देन फिर मैं इसमें नूडल्स भी डाल दिए एंड इसे मिक्स कर दिया। हमारी जो यहाँ पे आती है ना, अगर आपके यहाँ पे नहीं आता है वो तो फिर आपको लगा होगा, थोड़ी सी चिली सॉस डाल दीजिए आप, इस चिली ऑयल डाल दीजिए, एंड देन आपका ये प्लेट तैयार हो जाती है। ये हमारे नूडल्स राइस एंड मंचूरियन तैयार हो चुका है। देन फिर हम मैंने इसमें जो फ्रेंच फ्राइज रेडी किए थे वो डाल दिए हैं, और उसके बाद चलिए राजा से टेस्ट कराते हैं और देखते हैं ये कैसा। ऑसम लंच कराया आज, और अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय, और साथ में अब करेंगे रूम फाइनली क्लीन। यार पता नहीं नहीं हो पाता है, मैं कुछ चीज़ें देख रही थी जो कि बहुत डिसहार्टनिंग होती है, और क्या होता है समझ में नहीं आता यार, पोता पोती अपने नहीं होते हैं, कुछ ही समझ में नहीं आते। वो ये कि अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, ये किसी के हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो ससुराल वाले जो उसके बच्चे उसे भी अपना बच्चा नहीं समझते, जबकि खून तो बच्चों का ही होता है। तो पता नहीं, मैं देख रही थी, मेरे को अजीब सा हो रहा है यार, पता नहीं किसकी लाइफ में बीतती है ना, वो इंसान बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ सकता है, और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैं वही देख के भी वो ये कि बच्चे तो अंश है आपके बच्चों का, तो आप ही के बच्चे हुए हैं, उन्हें आप कैसे घर से सीरियसली आए। खैर तो अभी चाय बन रही है और मैंने दूध उबालने रखा है, जिया गई है दादा दादी के पास में, क्योंकि जिया है दादा दादी की लाइक फेवरेट, और जिया इज़ लाइक उसकी दादा दादी और डुगू नहीं जाता है तो डुगू के साथ वही है, तो वही इसलिए मैं सोच रही थी क्योंकि मैं भी अपने इन लॉज के साथ नहीं हूँ, और हम लोग अच्छे से ही हैं। कुछ लोग क्या आते हैं, जैसे अभी कल के उसमें आए थे कि एक ही घर है, एक ही घर में आप छोटा सा परिवार है, और पता छोटे से परिवार में ही ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि मेरे इन लॉज ऐसे नहीं हैं, पर छोटे से परिवार में ही है कि आप चीज़ों को अवॉइड करते हो। मेरा किसी और कारण से है ये, और वो कारण मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है कि मैं किसी को डिस्कम्फर्ट नहीं करना चाहती। बाय द वे हम लोग का सब कुछ ऐसे बहुत अच्छा चल रहा है, ज़रूरी नहीं आप सब चीज़ें साथ में जोड़ के चलोगे और सिर्फ कि साथ में एक किचन होगे सब होगे फिर बेशक आपकी नहीं बन रही है, कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे जो रिश्ते होते हैं जैसे हम लोग रिश्ते हैं, सुबह आ रहे हैं हम रात में जा रहे हैं, जो बन रहा है आपने दे दिया मैंने दे दिया, इस तरह से रिश्ते चलते हैं ना बिना किसी जिम्मेदारी के। कई बार उम्मीदें जो रहती हैं वो इंसान को तोड़ती हैं, और मैं बहुत उम्मीदें करती थी पहले, है ना, और वो भी करते होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे रहो और पूरी फैमिली, हम लोग यार ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को मैं भेजने में दिक्कत करती हूँ, डुगू को तो मैं इतना फोर्स करती हूँ, डुगू जाता नहीं है, जिया को जब जाना है वो तब जाती है,
इस तरह से पता है, अगर चीज़ें आपकी सही हैं तो वैसे ही रहो, वो ज़्यादा सही है। ज़्यादा दुनिया को दिखाने के लिए आपकी सब कुछ एक साथ बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर बात बेशक आप लोगों के मन में 100 चीज़ें चल रही है ना, कोई मतलब नहीं है। आज हम लोगों का दिल साफ़ है, क्योंकि मैं तो एकदम क्लियर कट मेरा रहता है सामने सामने, और मेरी मदर इन लॉ का भी ऐसा ही रहता है कि हाँ वो और कुछ होगा तो मुझे नहीं मालूम, ऐसा नहीं होगा यार। और बच्चों के घरों में ऐसा नहीं होता है, बच्चों के घरों में सब नॉर्मल रहता है। मेरी तो ये है, तो मैं वही देख रही थी कुछ चीज़ें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही थी कि जब कोई बचा ही नहीं है तो पैसा किसके लिए रखना है यार, बच्चों का ही तो हुआ, प्रॉपर्टी किसके लिए रखनी है, आप क्या करोगे, उनका तो बच्चों की तो शुरुआत हुई है, शुरुआत भी क्या हुई है यार, स्कूल एक ही जा रही है। तो मेरे को पता नहीं यार, अजीब सा ही लग रहा था देख के ना कि इंसान कहाँ जा रहा है। आपके घर की रौनक थी, जब आपके बच्चे नहीं हैं तो आपके घर की तो रौनक बच्चे ही हो गए ना, उन बच्चे। और ऐसा ये नहीं कि सिंगल केस है, बहुत सारे ही केस ऐसे रहते हैं कि शायद कोई हस्बैंड के कुछ होने के बाद अपने ससुराल में रहता है, कुछ केसेस होते हैं वो। तो वही है यार, मैं आई हूँ, चलो मैं काम करती हूँ, मैं जितना सोचती हूँ ना मेरे को वही लगता है, भगवान सबके पतियों को बना के रखे, सबकी मांग का सिंदूर, शादी के बाद एक जो रहता है ना आपका, शायद वही इज्जत होती है, उसी इंसान के कारण आपको घर में इज्जत मिलती है जो होता है आपका पति, उसके बाद पता नहीं क्या ही हालत होती है यार। वही है, सबके पति बने रहें, सब लोग खुश रहें, भगवान जी किसी का जोड़ा ना तोड़े बस। तो थोड़ा मैस मैं क्लियर करने में सफल रही हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा फैला था, पूरे कपड़े मैंने कर दिए हैं, समेट दिए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं क्योंकि डुगू जिया खेलने लगे थे यहाँ पे आके, और फिर जिया दूध मांग रही थी, तो फिर मेरे को लगा यार कोई मतलब नहीं है, तो मैंने मतलब 80% काम कर लिया, 20% काम बचा हुआ है। साथ ही मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिए क्योंकि मैंने दिन में काफ़ी हैवी खाना बनाया था जिसमें रखा हुआ है खाना। तो ये कुछ स्वॉचेस करने हैं, ये मैंने मंगवाई है और पता नहीं है कैसे होगी, तो मैं सोच रही हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो इस रिकॉर्ड कर लेंगे इसकी। तो ये सेल में मिली है मुझे 599 की 299 में, ये टोटल 5 कलर है और देखते हैं पैक ऑफ 5, अब आई जस्ट होप कि अच्छी हो, स्पेशली जब मैट लिपस्टिक की बात आती है तो वो ड्राई ज़्यादा करती है कई बार, कुछ लिपस्टिक्स आती है जिससे आपके होंठ फट जाते हैं, तो वो मुझे पर देखना है। पक गया था, अभी हम बीटाडिन लगा रहे हैं उस पर और दवाई लेके आए थे, तो वो पेन किलर तो ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि दर्द वैसे हो नहीं रहा है। कल जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था उस टाइम मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन था, और अभी थोड़ी चीज़ें हैं सही। जी आप पीछे देख लो, जी आप पीछे देख लो, उल्टा होकर ना चला करो तुम लोग, आ जाओ। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ घट जाती, बट वो छोटे में ही हो गई है। हम लोगों ने सोचा कि गिरे पर बच्चा हाथ में था, कुछ बहुत बुरा हो सकता था कि वो जो 3-4 सीढ़ी थी वो ऊपर से ही गिर सकते थे, बच्चा छूट सकता था, बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था और बहुत कुछ हो सकता था, बट भगवान जी की कृपा रही उस दिन कि कुछ नहीं हुआ दिन वाले दिन। हाय कर दो। तो वो जो है ना कहीं छोटे में ही वो हो गया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आए जिसमें आ रहा था कि बहुत बुरा भी हो सकता था ये, क्योंकि यार बच्चे के साथ थे, अगर बच्चे के साथ नहीं होते तो कहीं ना कहीं संभाल भी लेते, बेटा तुम गिर जाओगी अभी। तो यही है कि 24 आवर्स का काम है आपका ये देखने वाला। बट राधा के साथ उस दिन जो हुआ वो मेरे को इंट्यूशन कुछ सेकंड्स पहले ही आई थी इस चीज़ की, और बोलती उससे पहले ही अभी तक मेरे रोंगटे खड़े होते हैं वो जैसे मैं चीज़ सुनती हूँ ना। थी कि मेरी जो हॉस्टल पे, मगर मम्मी ने उसे कल बोला कि क्या बोलते हैं हम दूसरी लगा लेंगे और तुम्हें हटा देंगे, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो। तो उसे बुरा लगा या क्या लगा, उसने बोला मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता यहाँ पे,
और मैं हूँ मैं ही रहूंगी, ये बात आई थी मैंने पहले भी वो करी थी, तो एक तरह से ना वो चैलेंज कर रही थी, अरे रह सम करना, अरे मम्मी को कि मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता, सिम करना है और दोबारा लगाया मैंने कुकर, बोला वो बोली थी कि मेरे अलावा कोई काम नहीं कर सकता यहाँ पे, मैंने बोला कि या तो मैं एक बहुत ही नेगेटिव वे में लेके जाऊंगी क्योंकि बच्चे हैं है ना, और या तो मैं ऐसे लेके जाऊंगी कि यार ऐसा क्यों बोल रही है वो मामा। तो जब बात हुई मेरी तो मैं एक बड़े गुस्सा आया कि चलो ठीक है इसने बोल रहा, उसके बाद फिर जब वो आई है मैंने उसे आज बोला कि एक काम करते हैं मैं एक हफ्ते में दूसरी जगह दिखाती हूँ और देख लेते हैं कि अगर ये चैलेंज की बात है कि आपके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। जी हाँ भाई ये क्या स्टंट है कि आपके अलावा कोई काम नहीं कर सकता, तो आपको गलतफहमी हो रही है ये कि कोई काम नहीं कर सकता, मैं एक हफ्ता दे दो मैं एक हफ्ते में किसी को लगाती हूँ। तो बोलती नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रही थी कि बच्चे रहते हैं तो बच्चे ना कुछ ज्यादा फैला देते हैं और सामान भी खेल देते हैं तो ऐसे में कोई टिकता नहीं। मैंने बोला ऐसे मेरी तीन नैनी थी जो आराम से रही है, मैंने बोला जिस टाइम मैं किसी को लगाऊंगी उस टाइम मैं ये खोल तो जरूर करूंगी कि बच्चे हैं, कई बार मैं रात में सफाई नहीं कर पा रही हूँ कुछ फैला हुआ है तो आपको करना है, या अगर मैं उठ गई हूँ मैंने पहले कर दिया तो आपको नहीं करना होगा। मैंने बोला एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी मेरे को वो दिक्कत नहीं, पर ये चैलेंज वैलेंज ना करना कि मेरे अलावा कोई नहीं। मैंने बोला ऐसे में मुझे भी अजीब सा लगता है, थोड़ा बहुत डर लगता है ये चीजें हैं वो बोल रही है। तो बोलती नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैंने बोला मेरे को पहले भी ये बोला गया था कि मैं नहीं हटूंगी मतलब मैं मेरे अलावा कोई काम नहीं कर सकता, तो वो जो सेंटेंस रहता है ना मुझे उसका वो थोड़ा सा सही नहीं लगता है, तो मैं अभी देख रही हूँ कि अगर मुझे कोई हो तो मैं भी लगाऊं क्योंकि मेरे को नहीं सूट हो रहा है। ओह माय गॉड ये पक गई है, बोल रहा हूं मैं पक गई, पक गई, रुक जाओ हाथ मत लगाओ उसमें। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डुगू के साथ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करती हूँ, तो डुगू स्कूल जाने वाला है अभी, आपको दो दिन में स्कूल जाता हूँ दिखने वाला है डुगू, तो जो लोग भी सोच रहे थे डुगू स्कूल कब जाएगा, तो डुगू एक दो दिन के अंदर स्कूल जाने वाला है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश कर रही हूँ डॉट डॉट बना के, बच्चे को आप लाइन सर्कल वगैरह पहले सिखाइए वो थोड़ा ईजिली सीखेंगे, ए बी सी डी से पहले लाइन सर्कल डॉट्स वगैरह सिखाइए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बस यही कर रहे थे, और बस यार थोड़ी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी, और लड़की का पता कोई घर नहीं होता है, लड़की का ना मायका होता है एक टाइम के बाद, क्योंकि यार ऑब्वियसली शादी के बाद फिर मायका ऐसा लगता है ना आपको, रह रहे हो जाके वो अलग बात है पर वो फीलिंग नहीं रह जाती, और फिर ससुराल वाले भी ऐसे हो जाते हैं तो अजीब ही हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे थे और डुगू भी साथ साथ ड्रॉ कर रहा था, देन फिर डुगू सर्कल ड्रॉ करेगा इसके बाद, और मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक करिएगा, अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो भी मैरिड है आपकी लाइफ सही चल रही है या कैसी चल रही है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। डुगू बहुत अच्छा सर्कल बनाता है, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय गाइज, एंड लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा।